संचार क्रांति योजना के तहत स्मार्टफोन का वितरण कोरिया जिला में किया जा रहा है। कोरिया जिले के नगर निगम चिरमिरी में 3 केंद्रों के माध्यम से मोबाइल बांटे जा रहे हैं। निगम के 40 वार्डों के 5,313 हितग्राहियों को 6 अगस्त से 17 अगस्त तक स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं। विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, महापौर के डेमरू रेड्डी, आयुक्त खजांची कुमार सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में निगम के मंगल भवन में मोबाइल तिहार का आयोजन कर मोबाइल फोन वितरण करने का शुभारंभ किया गया। पहला मोबाइल जानकी देवी को दिया गया, जिससे विधायक प्रतिनिधि ने महिला की बात सबसे पहले कैबिनेट मंत्री भैयालाल रजवाड़ा से करवाई। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी सहयोग में जुटे रहे। बता दें कि स्मार्टफोन के वितरण के लिए निगम ने वार्डो का समूह बनाकर अलग अलग तारीख तय की है, लेकिन फोन बांटने की जानकारी मिलते ही शिविर में कई वार्डो के हितग्राही पहुंचने लग गए, जबकि वितरण के लिए शेड्यूल पहले ही तय किया गया था। इसके चलते दूसरे वार्डो के हितग्राहियों को तय तारीख में आकर फोन लेने की समझाइश देते हुए लुटाया गया। महिलाओं की भीड़ शिविर में सुबह से ही पहुंचने लगी थी। जहां स्मार्टफोन का वितरण हो रहा है, वहां संबंधित वार्ड के पार्षद हितग्राहियों के सही होने की जानकारी दे रहे हैं। मंगल भवन के अलावा सामुदायिक भवन गोदरी पारा और सामुदायिक भवन डोमन हिल में हितग्राहियों को मोबाइल दिए जा रहे हैं, जहां निगम कर्मचारियों के साथ साथ करीब जियो कंपनी के कर्मचारी अधिकारी भी मोबाइल तिहार में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्येक फोन सेट को एक्टिवेट करके हितग्राही को दिया जा रहा है। वहीं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को मोबाइल शासन के द्वारा दिया जा रहा है। पत्रकारों ने एक हितग्राही महिला से मोबाइल वितरण के संबंध में पूछताछ की तो उसका कहना है कि यह मोबाइल देकर नेता लोग गरीब जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जितना खर्चा मोबाइल देने में किया है, अगर वही खर्चा जिले में कोई प्लांट या उद्योग डालने में किया जाता तो वहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को जीवन यापन करने के लिए सुबह शाम की 2 रोटी मिलती। ये केवल दिखावा है और आने वाले चुनाव में वोट बैंक इकट्ठा करने का तरीका है, लेकिन गरीब जनता भी जानती है कि हमें क्या करना है। हमें मोबाइल दिखाकर मूर्ख बनाया जा रहा है। महापौर ने कहा कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर में पर्चे बांटे जा रहे हैं, जिससे लगता है कि भाजपा पार्टी का कार्यक्रम है। महापौर के डेमरू रेड्डी ने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यक्रम पूरी तरह भाजपा पार्टी का कार्यक्रम प्रतीत हो रहा है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ सरकार को धोखे में रखकर इस कार्यक्रम को हाईजेक किया है। जो बैनर पोस्टर लगे हैं वो इसका प्रमाण है, जिसमें ना तो महापौर न ही MIC के किसी सदस्य का फोटो लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में दूसरे दल का कोई नेता नहीं पहुंचा है। भाजपा चिरमिरी मंडल की ओर से इसे अपना कार्यक्रम बताकर हितग्राहियों के घर घर पर्चे बांटे जा रहे हैं। महापौर ने यह भी कहा कि वे इस कार्यक्रम में इसलिए हैं ताकि निगम के हितग्राहियों को इसका लाभ मिल सके। मुझे लगता है कि यह चिरमिरी नगर निगम अपने मूल कामों को छोड़कर मोबाइल बांटने में लग गया है। तमाम अधिकारी इस पर लगे हैं और आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चिरमिरी मंडल के लोग बकायदा कार्ड छपवाए हैं और भारतीय जनता पार्टी विनयावत करके भारतीय जनता पार्टी चिरमिरी मंडल लिख के हितग्राहियों के घर घर जाके बांट रहे हैं। ये हमारे सरकारी कार्यक्रम को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है और आज जो कार्यक्रम नगर निगम में हुआ, मुझे बड़ा दुख होता है ये सब देखकर कि वहाँ केवल हमारे अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचित नेता हैं उनके कठपुतली बन गए हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। हमें या हमारे पार्षदों को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। हमने व्हाट्सएप में जरूर देखा था कि कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ कार्यक्रम होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, हमारे निर्वाचित बॉडी को इन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया। मात्र इसलिए हम चुप रहे कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में जिस तरीके से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अंधेरे में रखा गया, गलत जानकारी दी गई और जिस तरह से वहाँ कार्यक्रम में बुलाकर असम्मान किया गया, मुझे लगता है कि ये बीजेपी के नेताओं के इशारे पर हुआ है और ये सरकारी कार्यक्रम न रहकर ये चुनाव प्रचार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यक्रम लग रहा है। आज संचार क्रांति योजना के तहत हम सभी जो है सामुदायिक भवन में डोमन हिल में सभी हितग्राहियों के साथ उपस्थित हैं और यहाँ का जो वातावरण है बड़ा है, उत्साहपूर्ण है। सभी हितग्राही जो है बड़े उत्साह के साथ अपने अपने मोबाइल की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिनको मिल रहा है वो हमारे सरकार की माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी की जो इस योजना को जो सफल योजना है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं और मैं भी माननीय रमन सिंह जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसी योजना ला करके दुरस्त गाँव को नेट से जोड़ने का जो ये काम किया है
अद्भुत और अनोखा यह संचार क्रांति योजना निश्चित तौर पर नगरवासियों के लिए, हितग्राहियों के लिए, सभी के लिए जो है एक उत्साह वातावरण लेकर के आया हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। For more information, log on to www.clips.in.